महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से अपनी विविध मांगों को लेकर मोर्चा निकाला गया। महाराष्ट्र राज्य के निर्माण के बाद से कोतवालों की लंबित मांगों को गंभीरता से लेते हुए मांगों को मानने के लिए कोई सौदेबाजी नहीं की गई है, बल्कि सरकार किसी की भी हो, चाहे वह गठबंधन की हो या नहीं, मोर्चे के सभी नेता और सभी महानुभावों ने कोतवालों का शोषण किया है। उत्तम राव गोई, महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संयुक्त संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। पिछले 1983 से 40 साल से कोतवाल का नेता करके काम करता हूँ। महाराष्ट्र में 21 मुख्यमंत्री हो चुके हैं, जिसमें 3 बैरिस्टर भी मुख्यमंत्री हो गए। मेरा यह आरोप है कि महाराष्ट्र के किसी भी मुख्यमंत्री ने दरिद्र नारायण कोतवाल की डिमांड की दखल नहीं ली। जानवरों से बदतर जीना जीने के लिए कोतवालों को मजबूर कर दिया। एक तरफ सुधीर मुनगंटीवार कोतवालों का नेता था, आज वन मंत्री है। बिपटिया, शेर, सुअर, इसकी रक्षा के लिए करोड़ रुपए खर्चा करता है, और जिसने तुम्हारी जन्म कुंडली लिखी है वो कोतवालों को चतुर्थ श्रेणी देने के लिए महाराष्ट्र सरकार तैयार नहीं। केवल चतुर्थ श्रेणी के लिए कोतवाला अवर्गीकृत कर्मचारी है। मेरा महाराष्ट्र सरकार के आपके माध्यम से एक सवाल है, मांगना हम चाहे कोतवाल, हमारी डिमांड है कोतवालों को 4 क्लास मिलना चाहिए, अनुकंपा तत्व पर कोतवालों की विधवाओं को 800 को नौकरी मिलना चाहिए, जीपीएफ लागू होना चाहिए, पेंशन का बेनिफिट नहीं तो, और महाराष्ट्र के नेताओं ने कोतवालों को निर्वाह भत्ता के रूप में 10,000 रुपए देना चाहिए। ये हमारी खास डिमांड है। इसके अलावा बहुत सारी प्रलंबित डिमांड हमारी है। हमारी एक ही सबसे बड़ी डिमांड है, और लोगों की तरह हम भी इंसान की औलाद है। ये महाराष्ट्र सरकार ने कबूल करना चाहिए, हम जानवरों की औलाद नहीं। जिस रास्ते से मंत्री, सचिव, आमदार पैदा हो गए, मांग पूरी नहीं होगी तो 10 दिन का हमारा अल्टीमेट है। 1 तारीख से पूरे महाराष्ट्र भर हम हर जिले में आंदोलन करेंगे, और उसके बाद आने वाली सभी चुनाव में हमारा बहिष्कार रहेगा। कोतवाल किसी को भी वोट नहीं, नालायक लोगों को वोट क्या देना है जिनको हमारी डिमांड नहीं समझती। अंधे बहरे गुंगे को हम वोट नहीं देंगे, हमारा वोटिंग पर बहिष्कार रहेगा। 28 वर्षापासून पेंडिंग है घनानिम्न जो प्रकल्प है वडगाव बेलाचा, यांनी आमच्या जमीनच्या 1995-96 मध्ये अधिकृत केल्या होत्या, त्यांचे जे भूभाग आम्हाला भेटायचं होतं आणि जे मोबदला जो भेटायचा होता तो आम्हाला मिळाला नाही, आणि जो मोबदला आहे तो तुटपुंजे मोबदला मिळालेला आहे। तर आमच्या या मागण्या आहे की आम्हाला जो मोबदला आहे हा वाढीव पद्धतीने मिळावा, आजच्या स्केलनुसार मिळावं। दुसरी गोष्ट, आम्हाला जे 2% टप्प्यात रक्कम देणार होते तो 2% रक्कम न मिळता एकाच टप्प्यात रक्कम मिळाली, 80% रक्कम देण्यात आली आणि 20% रक्कम देण्याची अजून बाकी आहे। वरून आमच्या मोबदल्यावर जे मुद्दल मोबदल्यावर जे भूभाडं द्यायचं होतं ते सुद्धा आम्हाला मिळालं नाही। आमच्या सर्वांच्या एकच मागणी आहे का जे मोबदला आहे शिल्लक मोबदला तो देण्यात यावा, वरून जो 20% जे आहे ते पण देण्यात यावं, आणि त्याच्यानंतर जे आम्हाला 8% दराने जे भूभाडं मिळते ते सुद्धा आम्हाला परत देण्यात यावं। नवी स्केलने, आजच्या स्केलने आम्हाला मिळायला पाहिजे। मागण्या जर समोर आमच्या पूर्ण झाल्या नाहीत, यानंतर आम्ही आमच्या भव्य मोर्चा काढू। आमचे 3,000 लोक आहे, आज आम्ही 4-5 लोक घेऊन आलो, याच्या पलीकडे आम्ही आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, आम्ही याच्यानंतर भव्य आणखी उपोषणा बसण्याची आमची तयारी राहील। इस दौरान आंदोलनकारियों ने अपनी मांग रखी है, जैसे कि सीनियर, जूनियर, बिना शिक्षा और उम्र की शर्त के सभी कोतवाल को चतुर्थ श्रेणी का दर्जा दिया जाना चाहिए, सेवानिवृत्त कोतवाल और उनकी विधवाओं को सम्मान के साथ जीने में सक्षम बनाने के लिए न्यूनतम ₹10,000 का गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए, कोतवाल को पेंशन, ग्रेजुएटी, पदोन्नति, समयबद्ध पदोन्नति, कोतवाल के विधवाओं और वारिसों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, जैसे कई मांगों को लेकर महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से मोर्चा निकाला गया। मांगे पूरी ना होने पर वोटिंग कर पर बहिष्कार का इशारा भी इस वक्त दिया गया।